हेलो नमस्ते आदाब सत हिंद मेरे शेरों मैं अभिषेक राजपूत आप सभी का हार्दिक तहे दिल और खुली बाहों से हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं आर एस सर चैनल पर आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हो सुरक्षित हो जी जान से अपनी तैयारी में लगे हो तो आपकी मेहनत आपकी सफलता जी हां आपके सपने को साकार करने के लिए फिर से लेकर आ गया हूं एक और शानदार सेशन जिसका रहता है मेरी आर्मी को बेसब्री से इंतजार तो जनाब फाइनली इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और हम आ चुके अभी लाइव लेकर आपके लिए एक और बेहतरीन तड़कता फड़कता सेशन जैसा कि आप देख सकते हैं जनाब पाइप का आज हम प्रैक्टिस सेशन डिस्कस करने वाले हैं न्यू सेशन है टॉप लेवल के क्वेश्चंस के साथ आपसे मैं रूबरू होने वाला हूं तो जल्दी से मेरे सभी जवान सभी चैंपियन सभी सोल्जर से चाहूंगा कि आ जाएंगे मैदान में क्योंकि जंग शुरू हो चुकी है जनाब और इस बार क्वेश्चन की झड़ी लगाने की तैयारी है इस बार आग लगाने की तैयारी है तो फटाफट फड़ से सारे सोल्जर आएंगे मैदान में और शुरू करेंगे आज का सेशन बातों में वक्त जाया नहीं करेंगे सबसे पहले बात करूंगा बेटा क्लासेस के टाइमिंग्स के बेटा दिन में दो क्लासेस हमारी चल रही है जिनमें कॉन्सेप्ट की बेहतरीन क्लास आपके लिए लाता हूं मैं सुबह सात से आठ बजे के बीच ताबड़तोड़ अंदाज में यहां पर अभी तक हमने थर्टी लेक्चर्स कवर कर लिए बात करूं अगर क्लासेस हो चुकी है और आज हमने थर्टी फाइव से शुरू किया था बात करूंगा अगर मैं आपसे हमारी प्रैक्टिस क्लास की बेटा तो प्रैक्टिस क्लास लाता हूं सुबह शाम को छह से सात बजे सुहानी शाम के साथ आज की सभा को मैथ्स के साथ खत्म किया जाता है जनाब जो लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं या फिर नेवी एस सी जी डी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए क्लास बहुत बहुत बहुत, बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है तो फटाफट मेरे सभी सोल्जर से चाहूंगा कि जल्दी से आ जाएंगे मैदान में जनाब आप अगर पहली बार चैनल पर नए हो बेटा पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो जाकर आर एस सर सर्च करेंगे इस तरह का लोगो आपके सामने आएगा जाकर सब्सक्राइब करेंगे और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाएंगे बेटा तो यहां पर आपको मेरे पिछले पूरे क्लासेस के कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट अलग बेटा और प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट आपको अलग मिल जाएगी जहां पर जाकर आप सारी क्लासेस का आनंद फायदा बेनिफिट उठा सकते हैं आगे अगर मैं बात करूं तो बेटा सीधे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन आज की क्लास का पहला आपके सामने आ चुका है जनाब जल्दी से शुरू करेंगे और बातों में वक्त जाया नहीं करेंगे जवानों हाँ सभी को शुभ संध्या सभी को जय हिंद सभी को राम राम राधे राधे कैसे हैं आप सभी अरे जरा बता भी दो कैसे हैं मेरे कैसी है मेरी आर्मी कैसे हो आप लोग जल्दी से बताइए क्या बात है क्या बात है मेरे जवानों चलिए भैया क्वेश्चन देख लेते हैं पाइप एंड सिस्टम के खूबसूरत क्वेश्चन से हम लोग आज की क्लास को शुरुआत करेंगे बेटा दो पाइप है बेटा ए और बी अरे साहब कुछ नहीं है ये कुछ नहीं है टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है मैंने सुबह भी कहा था वही क्वेश्चन वही तरीका बस नल आ गए हैं व्यक्तियों की जगह पर्सन की जगह बेटा व्यक्ति आ गए हैं टू पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन ट्वेंटी मिनट्स एंड थर्टी मिनट ईच ठीक है तो एक पाइप है ए और एक पाइप है बी एक बीस मिनट में भर सकता है बेटा और दूसरा पाइप है जो तीस मिनट में भर सकता है बोलो टंकी कितने की अरे साहब टंकी कितने की तो टंकी की क्षमता निकालने के लिए कैपेसिटी ऑफ अ टैंक निकालने के लिए हमें इन दोनों का क्या लेना होता है, LCM लेना होता है. यानी टंकी कितने की होगी बेटा टंकी हो गई, गई साठ लीटर की अगर ये बीस मिनट में भर रहा है बेटा तो इसका मतलब हर मिनट ये तीन लीटर भर रहा होगा और दूसरा वाला नल हर मिनट कितना भर रहा होगा बेटा दो लीटर भर रहा होगा अगर ये दोनों साथ में चलेंगे बेटा तो हर मिनट टंकी में कितना पानी आएगा लीटर आएगा जनाब अगर टंकी में पांच लीटर पानी आएगा तो बोलो साठ की टंकी को भरा के भरने में कितना समय लगेगा अरे क्या बात करते हो साठ की टंकी है हर मिनट पांच भर रहा है बोलो अरे बोलो जनाब कितना टाइम लगेगा आप कहेंगे चीख करके सर बारह मिनट का समय लगेगा और यही इस सवाल का आंसर है बोले तो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे बोलो क्या बात गुरुजी जी मजा ही आ गया जहर बरसा दिए हो इतना जहर के भैया बस साइनाइड को भी फेल कर दिए हो वॉट है चलिए ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जना उड़ा दो फटाफट से अरे बालक उड़ा दो जल्दी से आप मेहनत बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं बेटा थैंक यू सो मच पवन अरे मेरे बच्चे अभी के देखा ही क्या है तुमने अभी तो बस शुरुआत है बीबी मुरैना से हैं? बीबी मुरैना से क्या बात करत हो अरे लला का बात करत हो चलिए आ जाइए नेक्स्ट यदि किसी टैंक के एक बटा तीन भरे होने पर उसमें अस्सी लीटर पानी आता है बेटा जब भी कोई टैंक भरा हो बेटा मान लो कितने का टैंक है मान लिया एक्स का है अगर वो x बाई थ्री भरा है तो उसमें कितना पानी आता है बेटा 80 लीटर पानी आता है तो बोलो टंकी में पूरा पानी कितना आता होगा आप कहेंगे सर जी 240 लीटर आएगा अगर टंकी में 240 लीटर पानी है तो बेटा आधा भरे होने पर कितना आएगा बोलो 240 का आधा कितना होगा मेरे बच्चे सीधे सीधे निकाल दो 120 लीटर इस सवाल का आंसर आ जाएगा भैरा के भैरा के समझ रहे हैं शाम को भैरा के आने का मजा ही कुछ और होता है समझ रहे हैं समझ रहे हो नहीं समझ रहे अरे समझ जाओ बेटा 120 लीटर क्लियर हाँ जी वेरी गुड बेटा वेरी 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 गुड मेरे शेरों क्या बात है दिल गार्डन गार्डन हो गया और हो गया तो कर दो दुखी कर दो अगले क्वेश्चन को बेटा जल्दी से अरे वाह बी बी ऑप्शन मुरैना से क्या बात है जहर बरसा रहे हैं आप सर बिल्कुल ए भाई, ए भाई, जहर बरसाया जा रहा है क्या बात है अगला क्वेश्चन बेटा चलिए उड़ा दो तीन 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 नल है तीन नल है, तीन है A, तीन नल बेटा बेटा इस बार ए बी और सी क्या तीनों भरने वाले हैं जीप तीनों इनलेट पाइप है बेटा एक बारह घंटे में भर रहा है एक पंद्रह घंटे में भर रहा है और एक बीस घंटे में भर रहा है तीनों अलग अलग भर रहे हैं बेटा ये बारह घंटे में भर पाता है ये पंद्रह घंटे में भर पाता है और मेरा बच्चा तीसरा नल इसे 20 घंटे में भर पाता है बोलो जनाब टंकी कितने की अरे साहब टंकी तो 60 लीटर की होगी इस 60 लीटर की टंकी को अगर ये 12 घंटे में भर रहा है मतलब हर घंटे ये 5 लीटर भर रहा है हर घंटे दूसरा वाला नल 4 लीटर भर रहा है और हर घंटे तीसरा वाला नल बेटा 3 लीटर भर रहा है अगर 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 यदि ए पूरे समय के लिए खुला रहे बेटा ए को पूरे टाइम चालू रखना ठीक है चीके? ए को बंद मत करना पाप लगेगा ए को पूरे टाइम चालू रखना है बेटा तो जानी मान सकता हूं कि ए पूरे टाइम चलेगा पूरे टाइम चलेगा, हर घंटे चलेगा बेटा बेटा लेकिन 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 B और C उसके साथ बारी-बारी से एक-एक घंटे एक के टंकी कितनी देर में भर जाएगी इन हाउ मच टाइम फुल तो बेटा टैंक को अगर फुल करना है तो बोलो इस तरह से फुल करना है तो कितना समय लगेगा तो बोलो पहले घंटे में अगर मैं बात करूं मेरे बच्चा पहले घंटे में पहले घंटे में टंकी कितनी भरेगी तो बेटा पहले घंटे में ये दोनों चलेंगे ए कितना भरता है बेटा पांच और बी कितना भरता है बेटा चार दोनों मिलकर कितना भरते हैं बेटा नौ भरते हैं तो पहले घंटे में नौ लीटर टंकी भर जाएगी दूसरे घंटे में बेटा ए और सी चलेंगे ए और सी मिलकर कितना भरते हैं मेरे बच्चे आप कहेंगे आठ लीटर बोलो दूसरे घंटे में बेटा कितनी भरेगी टंकी आप कहेंगे चीख कर कि सर आठ लीटर भर जाएगी आपसे जानना चाहता हूं मेरे शेरों कि आप मुझे बताओ दो घंटे में टंकी में कितना पानी आ रहा है आप कहेंगे सर दो घंटे में टंकी में सत्रह लीटर पानी आ रहा है अरे जनाब टंकी है कितने की साहब आप कहेंगे साठ लीटर की हमने तो सत्रह भरा है अभी साठ नहीं भरेगी साहब को कैसे भरवाना है बेटा का 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 यहां नहीं कर सकते तीन का करना पड़ेगा बेटा यहां किया तीन का यहां करेंगे बेटा क्यों क्योंकि सत्रह को साठ नहीं बना सकते बेटा सत्रह को साठ नहीं बना सकते लेकिन जहां तक बना सकते हैं वहां तक बनाएंगे याद करो वो दिन बेटा जब मैंने बताया था कि दो लोग किसी काम को किसी किसी दिन में करते हैं और बदल बदल कर करते हैं एक एक दिन छोड़कर करते हैं तो उस केस में हमने उन सवालों को कैसे बनाया था ठीक उसी तरह से हमें इन सवालों को बनाना है बेटा तो 17 इंटू तीन किया तो हो गया इक्यावन लीटर यानी मैं कह सकता हूं कि इक्यावन लीटर पानी भरने में इनको छह घंटे लगेंगे अगर इक्यावन लीटर भरने में छह घंटे लग रहे हैं बेटा उसके बाद कितनी टंकी और बची है आप कहेंगे साठ की टंकी थी इक्यावन भर गई यानी कि नौ लीटर और बचा सर जी अगर नौ लीटर बचा मेरे बच्चे तो अब किसकी बारी आएगी अब बारी आएगी बेटा ए और बी की ए और बी मिलकर टैंकर कितना और भर देंगे बेटा अगले घंटे में आप कहेंगे नो यानी अगले घंटे में टंकी नौ लीटर और भर जाएगी मेरे बच्चे यानी कुल मिलाकर सात घंटे में टंकी में साठ लीटर पानी आ जाएगा और टंकी फुल हो जाएगी यानी आंसर इज सी फॉर चेन्नई आंसर इज मेरे शेर सी फॉर चेन्नई सी आगरा से क्या बात है मेरे शेर सी आगरा से बोलो कतई जहर मजा आ गया मजा आ गया तो अगला कर दो इसी बात जल्दी से कर दो अगला जहर बोल रहे थे सर जहर घोलेंगे घोल दो बेटा जहर देखते हैं कि तुम कितने जहरीले हो कितने जहरीले हो अपना जहर दिखाओ सवालों पर अपना जहर और जौहर दोनों दिखाना पड़ेगा आपको तब काम चलेगा अगर नीली वर्दी का ख्वाब देखे हो अगर बेटा एयरमैन बनने की सोचे हो तो पीछे मत हटना बेटा पीछे ना हटना क्योंकि ऐसा ना होगा

घंटे घंटे में चेंज कर लो तो मेरी मानो तो बेटा दोनों को मिनट में चेंज कर लो तो बेटा ये भी साठ मिनट हो जाएगा क्लियर साठ मिनट हो जाएगा यानी ये साठ मिनट में खाली कर सकता है और ये मिनट में खाली कर सकता है बेटा टंकी 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 कितने की 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 आप कहेंगे लीटर लीटर सर को अगर ये साठ मिनट में खाली कर रहा है मतलब हर मिनट कितना खाली कर रहा है बेटा आप कहेंगे एक खाली कर रहा है सर जी और दूसरा वाला कितना खाली कर रहा है बेटा दो खाली कर रहा है अगर दोनों साथ में चलेंगे तो टंकी कितनी खाली होगी हर मिनट आप कहेंगे तीन लीटर टंकी हर मिनट खाली होगी बेटा टंकी कितने की है अरे जवान टंकी कितने की है अगर ये दोनों साथ में चलेंगे तो हर मिनट टंकी तीन लीटर खाली होगी साठ लीटर की टंकी है मेरे शेर साठ लीटर की टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा तो साठ बटा तीन बोले तो बेटा बीस मिनट लगेंगे और भैरा के टंकी खाली हो जाएगी बीस मिनट में मेरे शेर टंकी खाली हो जाएगी और यही सवाल का आंसर है बोलो क्या बात गुरु मजा ही आ गया गर्दा उड़ा दिया गर्दा उड़ गया बेटा तो एक बार शेयर कर दो जल्दी से शेयर कर दो बेटा अपने सर की खाते टीम परिवार की खाते आप लोग एक एक मेरा शोल्जर क्लास को शेयर करेगा शेयर शेयर बेटा एवरीवेयर ठीक है आ जाओ इसी बात पर पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप नहीं चाहते क्या आप नहीं चाहते कि दूसरों का भी भला हो क्या आपको नहीं लगता कि बेटा मेरे साथ मेरा भाई भी एयरमैन बने हैं जी बेटा देश बंधु सारे भाई भाई हैं ये बात तो आपको अच्छे से पता ही होगी क्या बात है गुरुजी मजा ही आ गया बेटा देखते चलो अभी तो शुरुआत व्यास व्यास मतलब है और एक पाइप ये है मान लो ये पाइप का डी है और इस वाले पाइप का जो मोह है जो माउथ है जो उसका पान हिस्सा है जिसमें से पानी निकलता है पानी पास होता है बेटा वो ये इसका कितना है बेटा इसका है टू डी ठीक है इसका मुंह इतना छोटा और इसका मुंह इतना बड़ा बेटा आप मुझे बताइए कि डी व्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में 40 मिनट लगते हैं डी व्यास वाला है ये 40 मिनट लेता है बेटा आप मुझे बताओ ये टू डी व्यास वाला है ये कितना समय लेगा खाली करने में अरे साहब क्या बात करते हो 20 मिनट लेगा सीधी सीधी बात है बेटा आंसर कितना आ गया 20 मिनट सोचने का काम ही नहीं है बेटा इसमें इतना क्योंकि डी वाला कोई है इतने इतने डी व्यास वाला डी डायमीटर वाला कोई पाइप है जो खाली करने में 40 मिनट लेता है तो ज्यादा बड़े मुंह वाला ज्यादा बड़े ओपन फेस वाला अगर पाइप खाली करेगा तो जल्दी करेगा बेटा जल्दी कितना सीधे सीधे दो से भाग लगा दो बीस मिनट आंसर आ जाएगा भैरा के ठीक है भैरा के आंसर आवेगा आंसर कितना आवेगा बेटा सी आंसर आवेगा बोलो क्लियर हुआ एप्सल्यूटली मेरे शेर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ जल्दी से जल्दी से आ जाओ बेटा उड़ा दो फटाफट से एक पाइप किसी टंकी को बेटा पांच घंटे में भर सकता है एक पाइप है हमें नहीं पता कौन सा है साहब भरने वाला है इनलेट पाइप है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते पांच घंटे में भरवाना ही पड़ेगा आगे बढ़ता हूं बेटा दूसरा पाइप है बी क्लियर और कोई दूसरा पाइप चार घंटे में खाली कर सकता है ये आउटलेट पाइप है बेटा चार घंटे में ये क्या कर रहा है खाली कर रहा है साहब बोलो टंकी कितने की आप कहेंगे बीस लीटर की ये कितनी देर में भर रहा है पांच घंटे में यानी हर घंटे ये भर कितना रहा है आप कहेंगे चार लीटर और ये हर घंटे खाली कितना कर रहा है बेटा आप कहेंगे पांच लीटर यानी कि अगर ये दोनों को साथ में चलाया जाए तो ये हर घंटे चार भरेगा और ये हर घंटे पाँच खाली करेगा मतलब दोनों मिलकर अगर चलेंगे तो केवल एक लीटर ही टंकी भरेगी हर घंटे हर घंटे केवल एक लीटर टंकी भरेगी बेटा आप मुझे बताओ सॉरी हर घंटे टंकी एक लीटर खाली होगी बेटा अगर दोनों पाइपों को एक साथ ओपन कर दें तो मेरे बच्चे हर घंटे टंकी एक लीटर खाली होगी बोलो बीस की टंकी है अगर बीस की टंकी को खाली करना है कितना टाइम लगेगा क्या मेरे बच्चे इसको देखकर आपको लगता है कि टंकी भरेगी जी नहीं कभी टंकी नहीं भर पाएगी क्योंकि खाली करने वाले नल की कार्य क्षमता ज्यादा है खाली करने वाले आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी बेटा ज्यादा है वो ज्यादा खाली करेगा ये कम भरेगा इसलिए टंकी खाली ही होगी भरेगी कभी नहीं बेटा 20 की टंकी है कह रहा है भरी हुई टंकी है यानी 20 लीटर की टंकी भरी हुई है एक खाली करेगा हर मिनट बेटा घंटे तो इसका मतलब कितना टाइम लगेगा बेटा आप कहेंगे 20 घंटे और यही सवाल का आंसर है मेरे शेर सी सवाल का आंसर है क्लियर हुआ वेरी गुड मेरे बच्चे वेरी गुड जय हिंद बेटा सोनू राठौर सो क्या बात है सो वेरी गुड बेटा आ जाओ इसी बात पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मजा आ रहा है बेटा मजा आ रहा है तो कंजूसी नहीं करनी कतई नहीं कंजूसी करनी साहब ए भाई ए भाई कंजूसी नहीं करनी भाई आराम बच्चे आरमर बच्चे अगला क्वेश्चन करिए अगला क्वेश्चन में क्या दिया है जरा ध्यान से देखिएगा एक पाइप किसी टंकी को बेटा तीन घंटे में भर सकता है एक पाइप है हमें नहीं पता कौन सा है तीन घंटे में भर सकता है मतलब भरने वाला पाइप है मतलब इनलेट पाइप है ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो टंकी की तली में एक छेद है इस कारण इसको भरने में बेटा साढ़े तीन घंटे लगते हैं आपसे जानना चाहता हूं अगर तली में एक छेद है इसके कारण जब ये पाइप चलता है और ये छेद भी खुला रहता है ये होल भी खुला रहता है या एक लीक भी चालू रहता है तो उस कंडीशन में टंकी को तीन घंटे के बजाय साढ़े तीन घंटे लगते हैं इसका सीधा सा मतलब है जब ये दोनों साथ में चलते हैं तो टंकी को साढ़े तीन घंटे लगते हैं साढ़े तीन घंटे का मतलब बेटा सात बटा दो सात का आधा ही तो होता है साढ़े तीन घंटे यानी कि सात बटे दो घंटे लगते हैं जब ये दोनों साथ में चलते हैं जब ये भरता है ये खाली भी करता है इसीलिए टाइम आधा घंटा ज्यादा लग रहा है ठीक है बोलो टंकी कितने की साहब आप कहेंगे टंकी तो गुरु जी चौदह लीटर की होगी कैसे निकाला साहब कैसे निकाला तीन का मेरे बच्चे और सात का हमने एलसीएम निकाल लिया बेटा कितना आ गया चौदह लीटर चौदह लीटर की टंकी को ये तीन घंटे में भर रहा है बेटा बोलो सॉरी इक्कीस लीटर चौदह नहीं इक्कीस क्या कर रहा हूं मैं भी ओके okay, नाउ टंकी कितने की मेरे बच्चे 21 लीटर की टंकी है आपसे जानना चाहता हूं अगर ये तीन घंटे में भर रहा है मतलब हर घंटे ये कितना भर रहा है बेटा सात लीटर और ये हर घंटे कितना भरेगा ये हर घंटे कितना भरेगा बेटा ओके ये हर घंटे कितना भरेगा आप कहेंगे ये हर घंटे सर जी छह भरेगा आपसे जानना चाहता हूं आप मुझे बताइए कि आप एक जो है ए पहला वाला जो नल है वो हर घंटे कितना भरता है बेटा सात भरता है लेकिन जब ये छेद के साथ चलता है जब ये लीक के साथ चलता है वेन लीक इज ओपन एंड टेप इज ऑल्सो ओपन तो बेटा हर घंटे टंकी छह ही भरती है बोलो बी कितना खाली करता होगा अरे बी खाली करता होगा ना भरेगा तो नहीं बेटा भरता तो फिर ये ज्यादा भरते ना दोनों साथ में इसका मतलब बी खाली करता होगा कितना खाली करेगा बेटा आप कहेंगे एक खाली करता होगा सर जी अगर ये हर घंटे एक खाली करता है बोलो इक्कीस की टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा बेटा आप कहेंगे इक्कीस घंटे में कर देगा सर जी और यही सवाल का आंसर होने वाला है यानी कि बी फॉर बॉम्बे इस सवाल का आंसर है मेरे शेर क्लियर हुआ हाँ वेरी गुड बेटा वेरी वेरी गुड बहुत बढ़िया बेटा बहुत शानदार काफी उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं आप इसी बात पर क्लास को एक और बार दम से शेर मारो जल्दी से शेर मारो जवानों कतई कंजूसी नहीं करनी साहब ठीक है हां बीबीवी4 बी, बिहार से नमस्ते गुरुजी नमस्ते बेटा नमस्ते ठीक है चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइव ऑन योर स्क्रीन गेट रेडी सोल्जर डायलॉग के साथ भी आ जाने क्वेश्चन है आपके लिए पेश किया गया है न तीर से न तलवार से ये क्वेश्चन होगा मेरे शेरों के वार से उड़ा दो जल्दी से <coughs> जल्दी से अरे वाह सर नेट प्रॉब्लम सॉरी कोई बात नहीं बेटा सोन्यू चलिए आ जाइए दो पाइप है बेटा ए और बी अलग अलग किसी टंकी को साठ और पचहत्तर मिनट में भर सकते हैं दो पाइप है बेटा अलग अलग ए और बी एक साठ मिनट में भर सकता है बेटा और एक दूसरा पाइप है जो पचहत्तर मिनट में भर सकता है क्लियर आगे बढ़ते हैं बेटा आगे बोल रहा है टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप भी लगा है थर्ड पाइप भी है बेटा थर्ड पाइप भी जब इनके साथ में खोल दिया जाता है मतलब जब ये तीनों एक साथ चलते हैं मतलब ए प्लस बी माइनस सी क्योंकि खाली करने वाला पाइप है इसलिए माइनस के साथ लेंगे मेरे बच्चे कितने मिनट में खाली कर देता है या भर देता है तो आप कहेंगे पचास मिनट में भर देता है यानी कि पचास यहां आ जाएगा मेरे शेर पचास मिनट में भर देता है नाव बोलो टंकी कितने की साहब अरे साहब टंकी कितने की आप कहेंगे पचहत्तर साठ तीन सौ तीन सौ की ले लें टंकी अरे साहब तीन सौ की टंकी हो जाए तो क्या दिक्कत हो जाए बेटा कोई दिक्कत नहीं तीन सौ लीटर की टंकी हो गई एलसीएम लिया है मैंने इन तीनों का ठीक लीटर की टंकी हो गई ये हर घंटे ये साठ मिनट में इस तीन सौ लीटर की टंकी को भर देता है मतलब हर मिनट बेटा हर मिनट ये कितना भरता है आप कहेंगे पांच लीटर ये हर मिनट कितना भरता है बेटा पांच नहीं सॉरी लीटर ये हर मिनट कितना भरता है मेरे बच्चे जीरो जीरो पांच ही तो आएगा सही है पांच ही आएगा ठीक है ये हर मिनट कितना भरेगा बेटा आप कहेंगे पिछहत्तर चौक चार भरेगा बेटा और ये तीनों जब साथ में चलते हैं तो 50 मिनट में टंकी भर जाती है मतलब मेरे शेर ये हर घंटे कितना हर मिनट कितना भरते होंगे आप कहेंगे छह भरते होंगे सर जी अब आपसे जानना चाहता हूं आप मुझे बताइए कि ये दोनों मिलकर कितना भरते हैं आप कहेंगे पांच और चार नौ भरते हैं सर ये दोनों मिलकर साहब नौ भरते हैं लेकिन तीनों जब चलते हैं तो टंकी छह ही भरती है इसका मतलब ये कितना खाली कर देता है बेटा आप कहेंगे तीन लीटर खाली कर देता है ये हर मिनट में हर मिनट में ये अगर तीन लीटर खाली कर देता है मेरे शेर बोलो तीन सौ की टंकी को खाली कितनी देर में करेगा बेटा तीन सौ की टंकी को खाली कितनी देर में करेगा आप कहेंगे सौ मिनट में सर जी सौ मिनट में खाली करेगा साहब और यही सवाल का आंसर रहने वाला है यानी कि बी फॉर बॉम्बे क्लियर हुआ जवानों वेरी गुड हाँ, बहुत बढ़िया बेटा बहुत 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 बढ़िया बेटा क्लियर हुआ बात समझ में आई मैं फिर से बता देता हूं बेटा दो अलग अलग टेप्स हैं फर्स्ट टेप 60 मिनट में भर सकता है सेकंड टेप 75 मिनट्स में भर सकता है अगर लीक को भी चालू किया जाए इन दोनों के साथ तो बेटा तीन अगर एक साथ चलते हैं तो टंकी को भरने में केवल 50 मिनट लगते हैं यानी टंकी होगी बेटा 300 लीटर की ये 60 मिनट में भर रहा है मतलब हर मिनट पांच भर रहा है यह 75 मिनट में भर रहा है मतलब हर मिनट ये चार भर रहा है और जब ये तीनों साथ में चलते हैं तो 50 मिनट में टंकी भर रही है मतलब हर मिनट टंकी में छह लीटर पानी जा रहा है इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछू मेरे शेर कि ये दोनों मिलकर कितना भरते हैं आप कहेंगे नौ लीटर ये दोनों मिलकर भरते हैं बेटा नौ लीटर और जब ये तीनों साथ में चलते हैं तो भरती है टंकी केवल छ लीटर यानी ये खाली करता होगा साहब कितना खाली जालिम आप कहेंगे तीन लीटर सर जी अगर ये हर मिनट लीटर खाली सॉरी तीन लीटर खाली करता है तो तीन सौ को खाली करने में कितना समय लेगा लेगा बेटा सीधे सीधे समझ में आ गया सर जी मिनट अरे साहब सौ मिनट लेगा और यही सवाल का आंसर है आ जाओ फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पर जल्दी से उड़ा दो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ताबड़तोड़ अंदाज में आप लोगों के लिए पेश है बेटा ठीक है वेरी गुड हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया आ जाओ एक पाइप किसी टंकी को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा तीन गुना ज्यादा तेजी से भरता है बेटा दो पाइप में, एक पाइप ए है और एक पाइप बी है क्लियर ये दोनों पाइप की अगर मैं बात करूं दुगना तीन गुना तेजी से भर रहा है इसका मतलब थ्री टाइम्स मोर फास्ट इसका मतलब क्या है एक पाइप दूसरे पाइप की अपेक्षा तीन गुना ज्यादा तेजी से भरता है मतलब अगर ये हर घंटे एक भरता है तो ये वाला पाइप तीन भरता होगा बोलो ये किसका रेशियो आ गया बेटा ये रेशियो आ गया इनकी कार्य क्षमता का ये रेशियो आ गया इनकी एफिशिएंसी का मतलब पहला वाला पाइप हर घंटे तीन भरता है और दूसरा वाला पाइप हर घंटे भरता है बोलो बेटा यदि दोनों पाइप एक साथ किसी टंकी को छत्तीस मिनट में भर रहे हैं आप मुझे बताओ अगर ये दोनों एक साथ चलेंगे बेटा तो हर घंटे टंकी में पानी आएगा कितना हर मिनट टंकी में पानी आएगा कितना आप कहेंगे चार अगर अगर चार हर मिनट टंकी में पानी आ रहा है बेटा और 36 मिनट में टंकी भर रही है इसका मतलब टंकी होगी कितने की आप कहेंगे सर चार छिंग चौबीस चार तिया बारह और दो चौदह 144 लीटर की टंकी होगी बेटा और इस 144 मीटर की टंकी को अगर हमें धीमी गति से भरने वाले पाइप से भरवाना है धीमी गति बोले तो बेटा एक वाले से भरवाना है हर मिनट कितना भरता है बेटा एक तो एक सौ चवालीस की टंकी को भरने में कितना समय लेगा ये वाला नल बेटा तो कितना एक सौ चवालीस मिनट ही लगेंगे बेटा क्योंकि हर मिनट ये एक लीटर भर रहा है एक सौ चवालीस लीटर की टंकी है तो एक सौ चवालीस मिनट लगेंगे और यही सवाल का ताबड़तोड़ आंसर है बोलो गुरु जी मजा आया कि नहीं अरे बोलो बेटा मजा आया कि नहीं मजा आना चाहिए आना चाहिए बैठे बैठे मजा आया कि नहीं आया अरे आ गया तो कर दो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बात पर क्या बात है वेरी गुड बहुत बढ़िया दो पाइप बेटा किसी टैंकी को तीन और चार घंटे में भर रहे हैं जबकि एक आउटलेट पाइप है बेटा वो इसे टू आवर्स में एमपीटी कर देता है मतलब दो घंटे में खाली कर देता है एक पाइप है बेटा जो तीन घंटे में भर रहा है दूसरा पाइप है मेरे बच्चे जो चार घंटे में भर रहा है और तीसरा है खाली करने वाला पाइप जो कितनी देर में खाली कर रहा है बेटा दो घंटे में खाली कर रहा है मेरे शेर अगर तीनों को एक साथ चला दोगे बोलो टंकी कितने की साहब अरे साहब टंकी कितने की टंकी बारह की बारह की टंकी को यह तीन घंटे में भर रहा है मतलब हर घंटे ये कितना भर रहा है साहब आप कहेंगे चार लीटर ये हर घंटे कितना भर रहा है साहब आप कहेंगे तीन लीटर और ये हर घंटे खाली कितना कर रहा है साहब साहब आप कहेंगे लीटर अरे साहब, हर घंटे ये खाली कितना कर रहा है छह लीटर खाली कर रहा है अगर ये तीनों साथ में चले अगर ये तीनों साथ में चले तो ये दोनों मिलकर बेटा साथ भरेंगे और ये छह खाली करेगा मतलब कुल मिलाकर टंकी हर घंटे एक लीटर भरेगी बेटा हर घंटे टंकी एक लीटर अगर भरेगी जब ये तीनों साथ में चलेंगे तो मेरे शेर पूरी टंकी कितनी देर में भरेगी तो पूरी टंकी तो साहब बारह लीटर की है हर घंटे एक लीटर भर रही है तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा बेटा बारह घंटे लगेंगे साहब और यही सवाल का आंसर है जालेम आंसर इज डी फॉर डेहली बोलो मजा आया कि नहीं आया अरे मजा आया कि नहीं आया अगर आ गया है तो कंजूसी नहीं कतई लाइक में कंजूसी नहीं ठीक है कतई लाइक में कंजूसी नहीं ये बात मेरे शेरों ये बात आ जाओ इसी बात पर बिग अनाउंसमेंट आप सभी के लिए जो लोग पहली बार क्लास ले रहे हैं और जो अभी भी सो रहे हैं उन सभी शेरों के लिए उनको इन्फॉर्म करने के लिए कि परसों परसों बोले तो मेरे शेर चार तारीख को आज कितनी है एक तारीख है नहीं दो तारीख है आज अगर दो है तो चार तारीख को यानी कि परसों आपके लिए न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है एक नई शुरुआत करने के लिए रहिएगा तैयार टॉपिक मोस्ट अवेटेड है सबसे ज्यादा डिमांडिंग टॉपिक है चाहे कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो चाहे नेवी एम की तैयारी कर रहे हो चाहे एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हो चाहे एस एस की तैयारी कर रहे हो इस लेवल पर इस अंदाज में इस तरीके से आपने इस टॉपिक को कभी नहीं खोला होगा मैं खोलकर दिखाऊंगा आपको टाइम स्पीड और डिस्टेंस को परसों गेट रेडी अपने सारे साथियों अपने दोस्तों अपने हर एक जान पहचान वालों को इन्फॉर्म जरूर करिएगा नेक्स्ट लेवल का मजा आने वाला है परसों की क्लास में बेटा परसों हम इस टॉपिक को जड़ से उखाड़ फेंकने वाले हैं और कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मुझे कतई बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए किसी भी एग्जाम की मैं बात कर लू एयरफोर्स बायग्रुप ने बी एमआर कोस्ट गार्ड और सबसे जरूरी एस एस इन सब में इसके क्वेश्चन आते हैं इस बार भी देखे गए हैं और बार बार इसके क्वेश्चन आते हैं दो से तीन क्वेश्चन का वेटेज लेके चलता है ये टॉपिक समझ रहे हैं हर टॉपिक इसकी बात करूं इंडिविजुअल तो हर एग्जाम में इससे कम से कम दो से तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं इसलिए सीरियस हो जाओ फिर से शुरू कर रहा हूं मैं इस टॉपिक को नेक्स्ट लेवल पर नई शुरुआत के साथ ठीक है तो आइएगा जरूर आते हैं बेटा नेक्स्ट पे फटाफट से दो पाइप किसी टंकी को बेटा पंद्रह और बीस घंटे में भर सकते हैं कोई बात नहीं सरकार कोई बात नहीं जालिम क्या कर सकते हैं कुछ नहीं बेटा ए जो है वो पंद्रह घंटे में भर सकता है बी जो है वो बीस घंटे में भर सकता है और तीसरा है बेटा खाली करने वाला यानी कि ये कितनी देर में खाली कर सकता है तीस घंटे में बोलो साहब टंकी कितने की अरे टंकी तो साठ की होगी ये हर घंटे कितना भरेगा चार ये हर घंटे कितना भरेगा तीन ये हर घंटे खाली कितना करेगा दो अगर तीनों को साथ में चलाया जाए तीनों को साथ में ओपन कर दिया बेटा तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा अरे साहब जब ये तीनों साथ में चलेंगे जब ये तीनों साथ में चलेंगे तो ये दो भरेंगे ये खाली करेगा ये दो भरेंगे ये खाली करेगा बोलो ये दो कितना भरेंगे सात और ये खाली कितना करेगा दो यानी टंकी में हर घंटे पानी आएगा कितना आप कहेंगे पांच अगर हर घंटे टंकी में बेटा पांच पानी आ रहा है तो साठ की टंकी को भरने में कितना समय लगेगा मेरे शेर तो आप कहेंगे कि सर जी साठ बटा पांच कर लो सीधे सीधे बारह घंटे इस सवाल का आंसर आ जाएगा क्या बात है हर क्वेश्चन का आंसर बारह आ रहा है क्या चलिए आंसर इज बारह घंटे बोलो क्लियर हुआ ये बात ये बात ये बात ये बात ये बात वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलिए आ जाओ अगले क्वेश्चन पर इसी बात पर नेक्स्ट नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन बेटा दो पाइप किसी टंकी को साढ़े सैंतीस मिनट और पैंतालीस मिनट में भर सकते हैं ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है एक है साढ़े सैतीस साढ़े सैतीस का मतलब होता है बेटा पचहत्तर बटे दो मिनट ठीक है पचहत्तर बटे दो मिनट यानी कि एक नल पचहत्तर बटे दो मिनट में भर सकता है जबकि दूसरा नल इसे पैंतालीस मिनट में भर सकता है बोलो टंकी कितने की साहब आप कहेंगे 225 लीटर की 225 लीटर की टंकी को अगर ये पिछहत्तर बटे दो मिनट में भर रहा है मेरे शेर तो आपसे जानना चाहता हूं अरे आपसे जानना चाहता हूं पिछहत्तर दूनी पिछहत्तर तिया पिछहत्तर दुनी डेढ़ सौ पिछहत्तर तिया यानी कि तीन दूनी छह यानी हर मिनट ये कितना भरेगा आप कहेंगे और दूसरा वाला नल अगर पैंतालीस मिनट में दो सौ पच्चीस की टंकी को भर रहा है तो ये कितना भरेगा जालिम आप बताओ ये कितना भरेगा तो आप कहेंगे सर ये हर घंटे भरेगा भरेगा हर मिनट सॉरी आप मुझे बताइए आप मुझे बताइए यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया दोनों को एक साथ खोला है बेटा दोनों को एक साथ खोला है आपसे जानना चाहता हूं अगर ये दोनों साथ में चलेंगे बेटा यानी कि ए प्लस बी अगर साथ में चलेंगे तो हर घंटे हर मिनट सॉरी कितना भरेगी टंकी आप कहेंगे 11 लीटर हुआ क्या है अरे आधे घंटे में टंकी को भरना है आधा घंटा हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट में टंकी को भरना है बोलो कितनी देर बाद बी को बंद किया जाए बी को बंद भी करना है और आधे घंटे में टंकी को भी भरना है यानी बी पूरे टाइम नहीं चलेगा अगर आधे घंटे में टंकी भर रही है अगर टंकी को आधे घंटे में भरना है और बीच में बी को भी बंद करना है मतलब पूरे समय तक कौन सा नल चलेगा कौन सा टेप ओपन रहेगा आप कहेंगे सर जी पहला वाला नल चालू रहेगा पूरे समय पूरे समय बोले तो बेटा कितनी देर आप कहेंगे तीस मिनट सर जी अरे तीस मिनट अगर पहला वाला नल चालू रहेगा तो टंकी को कितना भर देगा ये अपने हिस्से से 180 लीटर भर देगा 225 में से 180 लीटर तो केवल पहले वाले नल ने भर दिया बेटा तो आप मुझे बताइए आप मुझे बताइए बचा कितना बेटा शेष कितना बचा अरे रिमेनिंग कितना बचा बेटा तो आप कहेंगे 45 लीटर और इस 45 को किसने भरा होगा क्योंकि हमने बी को तो बंद कर दिया था बी को तो हमने बंद कर दिया था और पूरे टाइम कौन चालू रहा बेटा ए चालू रहा ए ने भर दिया 180 लीटर कितने में से 225 में से इसका मतलब जो बचा हुआ भाग है वो डेफिनेटली किसने भरा होगा बेटा वो दूसरे वाले नल यानी कि बी ने भरा होगा बी हर मिनट कितना भरता है बेटा आप कहेंगे पांच तो इस 45 को कितनी देर में भरा होगा आप कहेंगे नौ मिनट में यानी नौ मिनट केवल वो चला है और पैंतालीस लीटर उसने अपने हिस्से का भर दिया और उसके बाद उसे बंद कर दिया मतलब नौ मिनट इस सवाल का आंसर होगा यानी कि डी फॉर डेहली

कभी टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं चला रहे कभी टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा रहे कभी परसेंटेज नहीं पढ़ा रहे अरे कुछ भी मतलब कुछ भी कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये लोग हम्म चलिए देख लीजिए बेटा अभी

टोटली अगर मैं आपसे कहूं 35 क्लासेस हो चुकी है मेरे शेर 37 क्लासेस बची है मात्र उन 37 क्लासेस में सारे टॉपिक्स कवर करूंगा मैं आप टेंशन ना लो ठीक है आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसी बात पर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा एक नल किसी टंकी को बेटा आठ घंटे में और दूसरा अठारह घंटे में खाली कर सकता है एक नल किसी टंकी को आठ घंटे में भर सकता है और एक दूसरा नल है वो इसे अठारह घंटे में खाली कर सकता है ठीक है दोनों को साथ में खोला जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा सिंपल क्वेश्चन है बेटा अठारह और आठ क्या ले लें बेटा एलसीएम बोलो अठारह दूरी छत्तीस अठारह चौक बहत्तर ले लो ठीक है ठीक है आगे आ जाओ बेटा बहत्तर की टंकी है आठ घंटे में भर सकता है मतलब हर घंटे कितना भरेगा मेरे शेर आप कहेंगे नौ भरेगा और ये हर घंटे खाली कितना करेगा आप कहेंगे चार खाली करेगा अगर दोनों को चलाया जाए साथ में अगर ये दोनों बहरा के साथ में चले तो यानी कि ए माइनस बी ये भरेगा ये खाली करेगा ये भरेगा ये खाली करेगा मतलब कुल मिलाकर हर घंटे टंकी में पानी आएगा कितना आप कहेंगे पांच लीटर बोलो टंकी कितने की है सर जी सर जी बहत्तर लीटर की टंकी है ओके okay, हार्स में बताना है ओके द टाइम टेकन टू फिल द टैंक विल बी इफ बोथ द आर ओपन ठीक है अठारह की है आठ घंटे में बढ़ सकता है दूसरा ओके okay, करेक्शन uh, करो बेटा एक आठ में है और एक सोलह घंटे में है सोलह है सोलह ठीक है अठारह नहीं है मेरे बच्चे अट्ठारह नहीं है यहां पर ठीक है करेक्ट करो क्वेश्चन को अट्ठारह नहीं है यहां पर चलिए ध्यान से देखिए और बातों को समझिए सोलह है यहां पर तो टंकी कितने की सोलह की ये हर घंटे कितना भरेगा दो ये हर घंटे खाली कितना करेगा एक यानी कुल मिलाकर अगर दोनों साथ में चलेंगे तो टंकी एक लीटर भरेगी हर घंटे हर घंटे अगर ये एक लीटर भरेगी तो बेटा सोलह की टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा सोलह बटा एक यानी कि सोलह घंटे लगेंगे और यही सवाल का आंसर है यानी कि सी खत्म ठीक है खत्म सोलह सर टाइम चेंज करो काय का टाइम चेंज करो नहीं कोई टाइम चेंज नहीं होगा यही रहेगा टाइम क्लियर है चलिए जवानों नेक्स्ट आ जाओ फटाफट से एक टंकी में बेटा दो पाइप क्लियर टू आर देयर इन अ टैंक कोई दिक्कत नहीं पहले पाइप को आठ घंटे में पानी से भरता है और दूसरा वाला पांच घंटे में खाली करता है पहला वाला आठ घंटे में भरता है बेटा और दूसरा वाला खाली करता है कितनी देर में बेटा पांच घंटे में खाली करता है क्लियर आगे बढ़ते हैं यदि दोनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया तो पहले से तीन बटे चार टंकी भरी हुई है थ्री फोर्थ पार्ट भरा हुआ है टंकी का मेरे पार्ट भरा हुआ है। तीन, भाग भरा हुआ हुआ है है चौथाई भाग टंकी का ऐसा ये कह रहे हैं और आपसे कहा जा रहा है कि टंकी को खाली करने में कितना टाइम लगेगा बेटा ये आठ घंटे में भर रहा है ये पांच घंटे में खाली कर रहा है बोलो टंकी कितने की आप कहेंगे चालीस लीटर की बोलो ये हर घंटे कितना भरेगा आप कहेंगे पांच लीटर और ये हर घंटे खाली कितना करेगा आप कहेंगे आठ लीटर अगर ये दोनों साथ में बेटा अगर ये दोनों साथ में चलते हैं ना, ना 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 साथ में चले ही नहीं है कहीं पर दिया ही नहीं है दोनों को एक साथ खोल दिया बस दोनों को एक साथ खोल दिया है तो हर घंटे टंकी कितनी खाली होगी तीन लीटर अगर हर घंटे तीन लीटर टंकी खाली होगी और कह रहे हैं पहले से भरी है पहले से भरी है थ्री फोर्थ बोलो चालीस का थ्री फोर्थ कितना होता है चालीस का थ्री फोर्थ होता है सर जी तीस लीटर मतलब अभी टंकी भरी कितनी है अभी टंकी भरी कितनी है बेटा अभी टंकी तीस लीटर भरी है चालीस नहीं भरी है भरी कितनी है तीस बेटा जरा ध्यान से देखो ये जो है वो आठ घंटे में टंकी भर सकता है चालीस की टंकी है, हर घंटे पांच भरेगा ये हर घंटे आठ खाली करेगा मतलब कुल मिलाकर टंकी खाली ही होगी कभी भरेगी नहीं लेकिन वो कह रहे हैं कि थ्री फोर्थ भरी हुई है मतलब तीस लीटर भरी हुई है कितने में 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 से से तो तो बोलो इसे खाली 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 करने कितना कितना समय लगेगा हर तीन खाली तो खाली कितना लगेगा हर घंटे होगी को होने टाइम बेटा आप कहेंगे दस घंटे लगेंगे सर जी और यही सवाल का आंसर है मेरे शेर दस घंटे विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिफोर बॉम्बे क्लियर वेरी गुड मेरे शेरों वेरी गुड आग लगा दी तुमने आज तो आज तो तुमने दिल छू लिया सच में मजा आ गया आज इसी बात पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन किसी टैंक का थ्री फोर्थ भाग पानी से भरा है कोई दिक्कत नहीं है थ्री फोर्थ भाग पानी से भरा है मतलब अगर टंकी बेटा चार की है तो भरा कितना है मेरे लाल भरा है सर जी तीन लीटर लेकिन वास्तव में जब उसमें से आप तीस लीटर पानी निकाल लेते हो तो टैंक खाली हो जाता है देखो यहां कह रहे हैं तीन चौथाई भरा है मतलब चार में से तीन भरा है लेकिन यहां कह रहे हैं कि जब तीस लीटर निकाल लोगे पानी तो टंकी खाली हो जाएगी मतलब वास्तव में टंकी कितने लीटर भरी थी आप कहेंगे तो चालीस लीटर के मतलब वास्तव में तीन तीस के बराबर है तो टंकी भी चार लीटर की ना होगी चालीस लीटर की होगी यानी आंसर इज सी सी फॉर चेन्नई इस सवाल का एप्सोलूटली करेक्ट ठीक है चलिए ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ फटाफट एक टैंक में बेटा दो नल लगे हैं एक नल उसको 45 मिनट में भरता है और दूसरा उसे एक घंटे में खाली करता है देखो दो टैंक लगे हैं एक 45 मिनट में भर रहा है और दूसरा मेरे शेर दूसरा मेरे बच्चे आप कहेंगे एक घंटे में खाली कर सकता है मतलब साठ मिनट में खाली कर सकता है क्लियर है एक भरने वाला है और एक खाली करने वाला है ठीक है दोनों को बेटा बारी बारी से चालू किया है एक एक मिनट के लिए ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं बोलो टंकी कितने की साहब आप कहेंगे सर जी 180 लीटर की टंकी होगी इन दोनों का एलसीएम निकाल लिया बेटा बोलो 180 की टंकी को ये 45 मिनट में भर रहा है मतलब हर मिनट ये कितना भर रहा है आप कहेंगे चार लीटर हर मिनट ये कितना भर रहा है चार लीटर लेकिन हर मिनट ये कितना खाली कर रहा है आप कहेंगे तीन लीटर यानी कुल मिलाकर अगर ये दोनों साथ में चलें तो एक लीटर एक मिनट में आएगा पानी उस टंकी में वन लीटर पर मिनट उस टंकी में पानी आएगा नाउ हुआ क्या है हुआ ये है कि बारी बारी से उनको स्टार्ट करना है बेटा पहले कौन चलेगा ए फिर चलेगा बी फिर चलेगा ए फिर चलेगा बी फिर चलेगा ए फिर चलेगा बी इस तरह से यह सिलसिला चलता रहेगा इस तरह से मेरे शेर यह सिलसिला आगे भी चलता रहेगा पहले कौन चलेगा बेटा पहले घंटे के लिए पहले घंटे में चार भरेगी टंकी दूसरे घंटे में तीन खाली हो जाएगी टंकी मतलब दो घंटे की अगर मैं बात करूं मेरे शेर तो टंकी में एक लीटर ही पानी आ पाएगा दो घंटे में एक लीटर आ रहा है पानी 180 लीटर की टंकी है बेटा 180 भरने में कितना टाइम लगेगा अरे 180 का इंटू यहां कर दो 180 का यहां कर दो यानी कुल मिलाकर अगर मैं आपसे बात करूं कुल मिलाकर अगर मैं आपसे बात करूं अरे घंटे की बात नहीं है मिनट में बात हो रही है

360 मिनट में आएगा सर जी 360 मिनट बोले तो मेरे शेर 360 मिनट बोले तो मेरे शेर घंटे घंटे में में आ, खाली टंकी को पूर्णता भरने में कितना समय लगेगा छह घंटे कैसे आया 6 से भाग लगाओ जीरो छत्तीस ही तो होगा साठ मिनट तीन साठ मिनट तो आएगा हैं जी ज्यादा कर दिया क्या कुछ टू पॉइंट फाइव फाइव टू बाई फिफ्टी फाइव टू फिफ्टी फाइव कैसे आ गया कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने पैतालीस दूनी नब्बे पैंतालीस चौक ठीक है सही है और छात्र से तीन बार में ठीक है यानी एक पहली बार ए चलेगा यदि दोनों पाइपों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाता है पहले मिनट में ये भरेगा दूसरे मिनट में ये खाली करेगा यानी दो मिनट में टंकी में आएगा पानी आ, एक लीटर दो मिनट में टंकी में एक लीटर पानी आएगा तो 180 लीटर पानी कितनी देर में आएगा तो इंटू एक सौ अस्सी एक सौ अस्सी तीन सौ साठ तीन सौ साठ मतलब छह घंटे छह घंटे ही तो आएगा सिक्स आवर्स हो रहा है हाँ बिल्कुल सही सिक्स आवर्स हो रहा है पांच घंटे तिरपन मिनट ऑप्शंस रॉन्ग है बेटा इसका आंसर सिक्स आवर्स आएगा है ना इसका आंसर सिक्स आवर्स आएगा मेरे बच्चे ठीक है हम्म हाँ बेटा दो घंटे त्रे पांच घंटे तिरपन मिनट कैसे हो रहा है मेरे बच्चे एक घंटे में खाली ओके पैंतालीस मिनट एक घंटे में खाली हो रही है ठीक है सही है सब कुछ सही है बेटा सब कुछ सही है दोनों पाइपों को बारी बारी से यहां देखते हैं ठीक uh, okay, है ठीक ठीक है, है, है। सही आंसर सिक्स ही आएगा एब्सोल्युटली ठीक है ये अगले मिनट में वन प्लस थ्री सिक्स ही आ रहा है बेटा सिक्स आवर्स सही है सिक्स आवर्स सिक्स आवर्स तीन का नहीं हुआ बेटा माइनस तीन ही तो होगा तीन ही तो खाली हो रही है हर मिनट एक मिनट में चार लीटर भर रही है और अगले ही मिनट तीन लीटर खाली भी हो रही है तो कुल मिलाकर दो मिनट में एक लीटर भर रही है कुल मिलाकर मिनट में एक लीटर ठीक है तीन सौ तिरपन मिनट कैसे आ रहे हैं बेटा हाँ आप सुनो मेरी बात ध्यान से बच्चा अक्सर यहां पर गलती करता है और वो गलती क्या है ना तुमने भी वही गलती करी चलो ध्यान से देखो बेटा अब बच्चा क्या गलती करता है वो चीज समझो आप ठीक है मुझे बताओ कि कुल मिलाकर अगर मैं आपसे कहूं कि दो मिनट में तीन लीटर टंकी में पानी आ रहा है सॉरी दो मिनट में एक लीटर पानी आ रहा है टंकी में आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताओ कि टोटल चार लीटर आ रहा है ना ठीक है तो एक काम करते हैं एक सौ अस्सी नहीं एक सौ उन्यासी बनाते हैं इसको ठीक है तो क्या करूं मैं यहां मैं यहां पर एक सौ अस्सी का इंटू ना करके वन सेवनटी सिक्स का नहीं दो मिनट में एक लीटर पानी आ रहा है एक काम करते हैं तीन सौ ठीक है तो हम्म एक काम कर रो वन सेवनटी सिक्स का इंटू नहीं कितने का इंटू करते हैं वन सेवनटी सिक्स का कर लेते हैं यहां पर 176 का इंटू करो बेटा तो यहां पर भी कितने का होगा 176 का इंटू होगा क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा अभी समझ में आएगा आपको ये टोटल कितना हो गया दो छह दो सत्य चौदह और एक पंद्रह और दो एक दो और एक तीन तीन सौ बावन मिनट में बेटा टंकी कितनी भरेगी एक सौ छिहत्तर लीटर भरेगी अब बारी किसकी आएगी अगले अगले एक मिनट में अगले मिनट बेटा बारी आएगी किस की ए की और ए कितना भर देगा बेटा चार लीटर और भर देगा अगले ही मिनट में यानी तीन सौ मिनट में बेटा टंकी पूरी तरह से भर जाएगी यानी 180 लीटर भर जाएगी यानी कुल मिलाकर तीन मिनट में टंकी पूरी भरेगी यानी कि पांच घंटे तिरपन मिनट इस सवाल का आंसर हो जाएगा ठीक है हाँ बिल्कुल सही है खाली टंकी से बोला है बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है तो खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितना टाइम लगेगा ध्यान से देखो मैं फिर से बता देता हूं एक का इंटू यहां किया एक का क्यों किया क्योंकि बेटा दो दो मिनट का अंतर ले रहे हैं दो 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 मिनट के गैप पर ले रहे हैं हमें पता चल गया दो मिनट में एक लीटर भरेगी क्यों क्योंकि पहला वाला चार भरेगा दूसरा वाला तीन खाली करेगा यानी टोटल एक लीटर भरने में उसे तीन मिनट लगेंगे और जैसे ही अगला मिनट लगेगा जैसे ही अगले नल की बारी आएगी जैसे ही एक ही बारी आएगी फर्स्ट टेप की बारी आएगी तो मेरे शेर वहां पर चार लीटर और भर जाएगा फिर खाली होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता बेटा तो कुल मिलाकर 180 लीटर भरने में तीन मिनट लगेंगे आ जाओ इसी बात पर अगले क्वेश्चन पर फटाफट से क्लियर हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत शानदार नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का जलवा दो पाइप किसी टैंक को भरने में पंद्रह और बारह घंटे में भर सकते हैं अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है विश्वास मानिए एकदम जबरदस्त क्वालिटी का क्वेश्चन ठीक है ध्यान से देखना सीजीएल का क्वेश्चन है बेटा ध्यान से समझो और बातों को गौर से देखो एक नल है बेटा ए एक नल है बी और एक नल है सी क्लियर एक पंद्रह घंटे में भर सकता है एक बारह घंटे में भर सकता है और तीसरा जो है वो खाली करने वाला है तो वो चार घंटे में खाली कर सकता है मेरे शेर अब ध्यान से समझना बातों को तो क्लियर होगा आपको मेरे शेरों टंकी कितने की साहब आप कहेंगे साठ लीटर की ये 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 हर 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 घंटे 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 भरेगा भरेगा और खाली कितना करेगा मेरे शेर आप कहेंगे खाली करेगा सर अब अगर मैं आपसे कहूं कि हुआ क्या है वाकई तो हुआ वास्तव में ये है एक्चुअली क्या हुआ है यहां समझिएगा जरा ध्यान से साहब तो बातें समझ में आने लगेंगी बेटा ये मान लो एक लाइन है ठीक है आठ बजे की लाइन है मेरे शेर आठ बजे सुबह ये नौ बजे की लाइन है मेरे बच्चे नौ बजे सुबह और यह बेटा ग्यारह बजे की लाइन है ग्यारह बजे सुबह आप मुझे बताइए हुआ क्या है हुआ यह है साहब कि पहले आठ बजे बेटा ए e को चालू किया है फिर नौ बजे ए e के साथ बी को भी चालू कर दिया और फिर ग्यारह बजे बेटा सी को भी चालू कर दिया जो कि खाली करेगा पहले ए को जब चालू किया तो अगले एक घंटे के लिए अगले घंटे के लिए मेरे शेर कौन चला केवल ए चला, उसके बाद बेटा नौ बजे बी को भी चालू कर दिया तो अगले एक घंटे के लिए ए और बी दोनों साथ में चले एक एक घंटे के लिए आगे बढ़े बेटा तो जैसे ही आप ग्यारह बजे आए एक घंटे के लिए नहीं दो घंटे के लिए यहां से नौ बजे से बेटा ए और बी साथ में चले दो घंटे के लिए और ठीक ग्यारह बजे सी को भी चालू कर दिया बेटा अब ग्यारह बजे के बाद बेटा आगे के लिए ये तीनों नल एक साथ चलेंगे बात समझ में आई अब आपसे जानना चाहता हूं बेटा कि कुल मिलाकर ए कितनी देर चला है आप कहेंगे एक घंटे यहां और दो घंटे यहां यानी कुल मिलाकर ए तीन घंटे चला है बेटा बी कितनी देर चला है आप कहेंगे केवल दो घंटे चला है बी अब आप, आप मुझे बताओ जब ये तीन घंटे चला है ए और बी दो घंटे चला है मतलब कुल मिलाकर इन्होंने कुछ पानी भरा है तीन और दो घंटे में कितना पानी भरा होगा बेटा तो ध्यान से देखो मेरे शेर तो बातें समझ में आने लगेंगी बेटा कि तीन घंटे तो चला है ए तो इसने भरा होगा बेटा बारह लीटर और दो घंटे चला है बी तो इसने कितना भरा होगा बेटा इसने भरा होगा साहब दस लीटर यानी कुल मिलाकर अभी टंकी में पानी कितना है आप कहेंगे बाईस लीटर पानी है टंकी में जैसे ही आप सी को चलाओगे सी भहराने वाला नल है बेटा सी भहराने वाला नल है क्यों क्योंकि ये बहुत ज्यादा कार्य क्षमता का नल है इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है जैसे ही आप इसको भी स्टार्ट करेंगे तो, तो वास्तव में टंकी हर घंटे खाली कितनी होगी आप कहेंगे छह खाली होगी सर तो बाईस की टंकी को खाली होने में कितना टाइम लगेगा बेटा तो बाईस बटे घंटे लगेंगे बाईस बटे छह घंटे का मतलब है अगर मैं यहां पर इसको मिनट में बदल लूं बेटा तो इंटू साठ का इंटू और करना पड़ेगा तो नाउ मेरे बच्चे छह से काटोगे तो कितनी बार में जाएगा दस बार में दस इंटू बाईस करोगे मतलब दो सौ बीस मिनट बाद टंकी पूरी तरह से खाली हो जाएगी मतलब कि साहब तीन घंटे और तीन घंटे चालीस मिनट के बाद टंकी पूरी तरह से खाली हो जाएगी ग्यारह बजे के बाद तीन घंटे चालीस मिनट के बाद टंकी पूरी तरह खाली हो जाएगी मतलब दो बज के चालीस मिनट पर टंकी पूरी तरह से खाली हो जाएगी अरे बेटा बारह चालीस नहीं है ग्यारह बजे से लगाएंगे बेटा ग्यारह बजे के बाद स्टार्ट हुए हैं ए बी और सी तीनों साथ में चलेंगे ध्यान से देखो बच्चा बात समझे मैंने क्या बताया यहां ये लाइन देखो पहले ए चला आठ बजे फिर यहां पर ए और बी दोनों साथ में चले नौ बजे और यहां पर बेटा ग्यारह बजे ए के साथ बी चला और सी भी चला ग्यारह बजे के बाद मेरे शेर आगे के लिए ये तीनों नल एक साथ चलेंगे चूंकि सी बहराने वाला नल है इसीलिए इसीलिए मेरे शेरों ये क्या करेगा टंकी को भरने नहीं देगा जितनी टंकी अभी पिछले घंटे में भरी है उतनी टंकी को ये पहले खाली करेगा खाली कितनी करेगा बेटा खाली करेगा बोलो तीनों साथ में मिलेंगे तो कितना खाली करेंगे हर घंटे आप कहेंगे खाली खाली करेंगे सर तो को खाली करने में कितना टाइम बाईस बटे छह घंटे घंटे को मिनट में बदलेंगे तो साठ का इंटू और कर देंगे यानी दो सौ बीस मिनट बाद टंकी पूरी तरह खाली हो जाएगी मतलब तीन घंटे चालीस मिनट बाद टंकी पूरी तरह खाली हो जाएगी मतलब ग्यारह बजे के बाद ठीक तीन घंटे चालीस मिनट बाद मतलब बारह एक और दो यानी दो बजकर चालीस मिनट पर टंकी पूरी तरह से खाली हो जाएगी और यही सवाल का आंसर है बोलो मजा आया अरे मजा आया कि नहीं आया बेटा जहरीला सवाल एप मेरे शेर ध्यान से देखो ए पंद्रह बी बारह और सी चार घंटे में खाली कर रहा है मतलब टंकी कितने की साठ की बोलो पहले यहां से यहां तक ए टोटल चला कितना आप कहेंगे कि सर आठ से ग्यारह बजे के बीच ए जो है वो तीन घंटे चला है एक घंटे यहां पर और दो घंटे यहां पर एक घंटे अकेले और दो घंटे बेटा बी के साथ मतलब कुल मिलाकर तीन घंटे ये चला है मतलब तीन घंटे में इसने बारह लीटर भर दिया होगा आगे बढ़ते हैं बेटा तो बी कितनी देर चला है केवल दो घंटे यानी दो घंटे में बी ने भी कुछ भरा होगा कितना मेरे शेर आप कहेंगे दस लीटर यानी कुल मिलाकर कुल मिलाकर 11 बजे तक टंकी में कितना पानी आ गया होगा आप कहेंगे 22 लीटर पानी आ गया होगा जैसे ही सी को चाली करेंगे सी की क्षमता ज्यादा है तो तो सी सीधे खाली करना चालू कर देगा बेटा 22 तो की टंकी पहले खाली होगी 22 की टंकी को खाली करेगा किस रफ्तार से बेटा छह की रफ्तार से क्योंकि अब तीनों चल रहे हैं साथ में तो छह की रफ्तार से खाली करेगा इतना समय लगेगा और आंसर आ गया बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन छह कैसे आया अरे बेटा चार ये भरेगा पांच ये भरेगा और पंद्रह ये खाली करेगा तो पांच और चार नौ ये भरेंगे पंद्रह ये खाली करेगा मतलब कुल मिलाकर छ खाली होगा ऐसे आया ठीक है? चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बा उरी बाबा उरी बाबा की कहता है चलो एक ही क्वेश्चन में आपने इतना टाइम वेस्ट करवा दिया मेरा एक पंप किसी टाइम को बेटा दो घंटे में भरता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं एक पंप दो घंटे में भरता है और दूसरा अरे साहब टैंक का पानी रिसने के कारण मतलब कि एक रिसने वाला लीकेज भी है जब दोनों साथ में चलते हैं तो बेटा दो सही एक बटे तीन घंटे लगते हैं मतलब तीन दुनी छह और एक सात बटे तीन घंटे लगते हैं बोलो टंकी कितने की साहब आप कहेंगे चौदह लीटर की यह हर घंटे कितना भरेगा सात और यह दोनों मिलकर हर घंटे कितना भरेंगे मेरे बच्चे तो आप कहेंगे छह आप मुझे बताइए कि अकेला ए कितना भरता है हर घंटे आप कहेंगे सात सर जी जबकि ये बी के साथ जब चलता है तो छ ही भरता है मतलब बी खाली करता होगा कितना बेटा आप कहेंगे एक खाली करता होगा बोलो चौदह को

कैराइन की क्षमता बेटा छेद की क्षमता नल से आदि है मतलब नल अगर एक घंटे में दो लीटर भरता है तो छेद एक खाली करता है अगर मैं बोलूं आपसे कि दोनों साथ में अगर चले अगर दोनों साथ में चले तो हर घंटे टंकी भरेगी या खाली होगी आप कहेंगे भरेगी कितनी भरेगी साहब तो आप कहेंगे एक भरेगी बोलो छत्तीस घंटे में अगर टंकी भर रही है तो टंकी है कितने की आप कहेंगे छत्तीस लीटर की अगर ये छत्तीस लीटर की टंकी को हमें किससे भरवाना है नल से नल हर घंटे में कितना भरता है बेटा दो तो छत्तीस को कितनी देर में भर देगा आप कहेंगे 18 घंटे में सर जी और यही सवाल का आंसर है क्लियर है यही सवाल का आंसर है और इसी के साथ आज की सभा को समाप्त करने की इजाजत मांगूंगा फिर भी अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है एनी टाइम किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आपके लेटी मारस परिवार हमेशा तैयार खड़ा है तो उसी जोश को और उस उम्मीद को बरकरार रखिए जिसके लिए आपने इतना बड़ा ख्वाब एयरमैन बनने का सजो के रखा है तो हमेशा इसी तरह मेहनत करिए बने रहिए हमारे साथ कोई भी हेल्प कोई भी डाउट है तो दिए गए नंबर पर सुबह 10 से 11 के बीच में मुझे कॉल करके आप अपने डाउट्स और क्वेरीज को शॉर्ट कर सकते हैं सिंपलीफाई कर सकते हैं मिलूंगा आपसे अगली क्लास में तब तक के लिए बबाय टाटा टेक केयर लव यू ऑल शुभ संध्या गुड नाइट मेरे शेरों क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना थैंक यू सो मच